तो उसको पास करना कोई आवाज भी नहीं होती। ऐसे जो है ये जो ग्रंथ है कहीं कहीं तेरे को सुनने में कटुक लगे कि तेरी मान्यताओं के अनुसार ना बैठे तो तेरे को कटुक भी लग सकता है, लेकिन इसका विपाक अत्यंत मधुर है। क्या क्या है, देखो आदमी को है ना वर्तमान में अच्छा लगना चाहिए, यही सोचता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। इतनी छोटी ही और इतनी क्षणिक सोच है कि मेरे को अभी अभी का अभी अभी सुख होना चाहिए, जब भी अभी भी सुख मिलेगा यदि ये जीव जी तैयार हो कि मैं अपनी अपनी विपरीत मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हो तो सुख अभी भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा क्या। लेकिन वो पहले तो ये विचार करके बैठे कि भाई मेरे को अपना हित करना है, मुझे भले ही ये बात भी कटु लगे लेकिन मेरे लिए विपाक काल में ये मधुर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ऐसे मोटा मोटा, जैसे ये जो ये होते हैं ना ये प्रोग्राम वगैरह तो इसमें अध्यक्ष अध्यक्ष करने के करते किसी, तो 3-4 घंटे तक किसी दूसरे को सबको झेलो आप, 3-4 घंटे, तो 4 घंटे झेलने के बाद में 5 मिनट समय दो किसी को बोलने का अवसर दिया जाए दिया जाए है? लेकिन वो 5 मिनट के अवसर के लिए आदमी 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे तैयार। जो महिला मंडल है ना अपने इंदौर की, बहुत सारे इंदौर हिंदुस्तान सबके, तो वो जो महिला है सब इकट्ठे होते सम्मेलन, तो एक किसी एक एक जो वो है जो एक इकाई है उसको 5 मिनट उस भाई को बोलने का मौका देते, तो वो 3 घंटे तक पूरी सब्जी झेलती है। फिर 5 मिनट उसके लिए कहेंगे तो 5 मिनट सुनना उसको, 5 मिनट के लिए 3 घंटे वेस्ट करने को तैयार। और जिनवाणी में जो कुछ कहेंगे वो सब तेरे हित के लिए कहेंगे, एक ही बात तेरे प्रयोजन के बिना की नहीं कहेंगे, जो कुछ है वो तेरे लिए है, लेकिन तेरे को उसको 15 मिनट देने में घंटा ला, वो 3 घंटे वहां व्यर्थ की बातें सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अपने हित की इच्छा कम है ना, इसलिए वो जो है वो 2 मिनट की प्रशंसा के वचन सुनने के लिए 4 घंटे वेस्ट करने को तैयार है, और यहाँ उसकी आत्मा की हित की बात कर रहे हैं कि तेरा इसमें पारमार्थिक हित है तो भी वो उसको सुनने को तैयार है। तो देखो क्या कहते हैं भावार्थ, सॉरी, यद्यपि शास्त्र विषय कहीं उपदेश किछु तत्काल कड़वा लगे तो डरी मत, वह उपदेश कैसा है फल काल विषय मीठा है, जैसे रोगी उग्र कड़वा औषधि दे नहीं डरे। भावार्थ, जैसे सयाना रोगी समझदार रोगी यद्यपि ग्रहण काल विषय कोई औषधि किछु कड़वा भी लागे तो भी तिस्ते सुख होने रूप मीठा फल होता जानी तिस्ते डरे नहीं, ताको आदर ते ग्रहण करे, तेसे तू सयाना संसारी है। सो यद्यपि ग्रहण काल विषय कोई इस शास्त्र का उपदेश किचु असुहावना भी लागे तो तिस्ते सुख होने रूप मीठा फल जान तिस्ते डरे मत, तो को आदर ते ग्रहण करना योग्य है। इसके अंदर में जो पीडीएफ वो तो चालू कर दो, देखो क्या कहा समझ में आया ना, अब आगे अगला पढ़ते हैं। आगे कोई तर्क करे उपदेश जाता तो बहुत है, बहुत सारा उपदेश जाता है, ताते तुम्हारा निष्फल खेत करने करी कहा साथ दे, उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग हैं तुम क्यों मेहनत करते हो जबरदस्ती की। क्या बहुत सारे लोग तुम यूं ही अपना फालतू में गला खराब कर रहे हो, तुम इससे अच्छा आराम से बैठो, हम उपदेश को किसी से भी साल उपदेश ग्रहण कर ले, तुम्हारी जरूरत क्या है। मैंने ये कहता है कि धर्म के उद्देश्य के लिए तुम्हें उद्यम करने की क्या आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि धर्म के उद्देश्य देने वाले तो बहुत है, उपदेश जाता तो बहुत है, इसलिए तुम्हारा निष्फल बिना कोई मतलब के खेत करने करी का साथ दे, ऐसा पूछे उत्तर कहे
तीसरे नंबर की गाथा है, देखो पढ़ते हैं हम इसको। जना घनाश्च वाचाल सुलभा स्युर्वत प्रथोत्थिता दुर्लभा हि अंतरार्द्रा ते जगद अभ्युज्जिहार शिवा। मिल गई। जना घनाश्च वाचाल, जना घनाश्च वाचाल, वाचाल लोग बहुत है, वाचाल मतलब समझते हैं बहुत बोलने वाले, तो ऐसे वाचाल जना घना बहुत है, सुलभा और सुलभ है, बहुत है और सुलभ है। स्युव्रतो उत्थिता, व्रथा माने व्यर्थ में, उत्थिता माने उद्यम क्यों करते हो तुम, अब तुम उद्यम क्यों कर रहे हो, बोलने वाले व्यर्थ में भपने वाले लोग बहुत है, समझ में ना। तो उसके लिए कहते आगे दुर्लभा ही अंतरार्द्रा, दुर्लभा वे जीव दुर्लभ है लेकिन कौन, दुर्लभा ही अंत आर्द्रा, अंत माने अंतरंग में जो आर्द्र माने भीगे हुए गीले, गीले लोग बहुत कम है अंदर, गीले मतलब समझते जैसे श्रोता होते ना, श्रोता अनेक प्रकार के होते, एक तो होती मिट्टी के श्रोता, मिट्टी के श्रोता हम कैसे, जैसे मिट्टी में पानी डालो, जब पानी डालोगे ना आप तो वो समय गीली हो जाएगी, और जैसे सूखी होगी जब धूप पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, पानी गया, अभी यहाँ सब भला हुआ गया थोड़ी देर सब। और एक होते चिकने घड़े, चिकने घड़े मतलब वहां पे कछु भी डालो अंदर घुसने ही नहीं वाला है, ऐसे 10-12 प्रकार के श्रोता इसी में वर्णन करेंगे आगे, किस किस प्रकार के श्रोता होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई वाचाल लोग बहुत है, सुलभ है, लेकिन वे दुर्लभ है जो अंतर से आर्द्र है, अंदर से आर्द्र माने अंदर से भीगे हुए हैं, ते जगत अभ्युज्जिहि शवा, ते माने वे, जगत माने जगत के, अभ्युदय माने कल्याण के, जिहिर्षुवा माने इच्छुक है, जो जगत के कल्याण के इच्छुक है और अंतरंग में आर्द्र है, भीगे हुए हैं, वे लोग दुर्लभ है, बाकी वाचाल लोग सुलभ है। अब इसका उदाहरण क्या दिया, जना घना, जना और घना क्या अंतर है, जना और घना में, जन और घन, जन माने लोग और घन माने बादल, बादल बहुत है लेकिन अंदर से बादल, वो बादल जिनमें अंदर में पानी है वो बादल बहुत कम है, बादल तो बहुत है अपने इंदौर में, रोज बादल आते हैं लेकिन वो बादल में उनमें पानी कुछ नहीं आता, बरसते एक भी नहीं है क्या, तो रोज सोचते आज आ जाएगा, आज आ जाएगा तो दे दे बाबा, बस दिखा दो तुम तो चले जाते हैं क्या। तो ऐसे बादल जो अंदर में आर्द्र हो, भीगे हुए अंदर में पानी से भरे हुए हैं, वे बादल कम है, ऐसे वे जन जो अंतरंग से भीगे हुए हैं वे कल कम, बाकी तो बादल 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 बहुत है, जैसे जन बहुत है ना, जना घना वाचाल सुलभा, देखो दोनों में लगाना, अब ये बादल भी वाचाल बहुत होते हैं, कितने बादल खूब आवाज करते हैं, लग रही है कि बहुत बादल, आज तो पानी पानी आएगा, कुछ भी नहीं आया है यहाँ, आवाज कर करा के चले गए, आवाज चले गए इधर, तो ऐसे लोग बोलने वाले वाचाल तो बहुत है, जैसे लोग जैसे बादल वाचाल है ऐसे लोग भी वाचाल बहुत है, बात करे करी करी कुछ होना तो जाना कुछ नहीं क्या, उन्होंने कल प्लानिंग करी सारी, नहीं जाने कुछ नहीं तो काम की होनहार है ना। तो वो कह रहे ऐसे 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 जने तो उनकी कोई दुर्लभ सुलभता है, और व्रथा उत्थिता, व्रथा उत्थिता मतलब तो व्यर्थ में उद्यम करते हैं, वो उनका जो उद्यम है वो व्यर्थ व्यर्थ है, और जो जो अंत से आर्द्र है ऐसे बादल भी दुर्लभ है और ऐसे लोग भी दुर्लभ है, और वे कैसे हैं, जैसे बादल लोगों के कल्याण के लिए जल आदि अमृत बरसा, जल बरसाता ना अमृत के रूप में कहा जाता है उसको, ऐसे जो जगत के अभ्युदय के लिए, जगत के कल्याण के लिए जीव शुभ मतलब इच्छुक हो, ऐसे जीव जो है वो क्या है, दुर्लभ। देखो अब अर्थ पढ़ते हैं अपने,
मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि वचन कहने आ रहे, मनुष्य तो खोटे वचन कहने वाले मतलब उपदेश के नाम पे, धर्म के नाम पे खोटा उपदेश। मैंने मैं तो एक चीज देखता हूँ कि धर्म तो पाप और पुण्य दोनों के अभाव की बात है ना, और अपन तो धर्म के नाम पे भी पाप के पोषण की भी बात सुन, तो कोई आश्चर्य धर्म के नाम पे क्या अभी रोड पी जाएगी, रोड खाना जरूरी है धर्म के नाम पे, रोड तीज व्रत, रोड तीज का व्रत कैसे होगा, मोटी रोटी खा के, अभी स्वाद दसवीं व्रत है, लाल कपड़े पहनो या अगले दिन अच्छे संगा पूरा करके, तो वो भी उससे क्या होगा मालूम है आपको, पति की आयु बढ़ जाएगी, अपन उपास करेंगे आयु को पति की, मतलब मोबाइल जो है पत्नी का चार्जिंग पे लगाया और मोबाइल चार्ज हो जाएगा पति का, करते हैं सब, बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे यहाँ तो चलता रहता है सब, और उसमें चलो ठीक है मतलब वो तो उस दिन उपवास की बात है, लेकिन इसके अलावा ऐसे अपनी तमाम दुनिया भर की चीजें होती है जिसको हम धर्म मान के करते हैं, मैंने हम यदि रोड तीज पे हम रोड खा रहे हैं तो हम धर्म कर रहे हैं, विषय भोग भोग के हम क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। अन्य मतावलंबन में तो है जन्माष्टमी है, तो कृष्ण ने जन्माष्टमी पे मैंने वो मक्खन खाना, मटकी फोड़ना और भोग भोगना, जितने भी 56 प्रकार के खाने पीने खाना, वो हम करके वो कह रहे हैं कि हम धर्म कर, हम तो गलत काम थे, विजयादशमी पे हम रावण का पुतला जलता हुआ देख के हम धर्म कर रहे हैं, तो लोग ऐसे पाप के उपदेश देने वाले बहुत है, धर्म के नाम पे पाप का उपदेश देने वाले असंख्यात अनेकों जीव है। मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहने आ रहे हैं, और मैं खोटा गर्जन करने आ रहे हैं, बोली मनुष्य तो निरर्थक महंतता करे उद्यत भय, क्या व्रथा उत्थित था, मैंने व्यर्थ में उद्यत महंत करके निरर्थक, जैसे वो महंत होता है ना अनेक लोगों में महंत, कुछ कपड़े वपड़े पहन लिया उनको एक परंपरा से पद मिल जाता है कि हम मठाधीश है, तो वो कह रहे हैं वो निरर्थक महंत है, निरर्थक महंतता करी उद्यत भय, उद्यत मतलब समझे अभिमानी भय, और मेघ निरर्थक बादल रूप उठे, बादला रूप उठे, मेघ भी जो है निरर्थक बादल रूप उठे, ऐसे तो मनुष्य व मेघ सुलभ है, ऐसे मनुष्य ऐसे बादल सुलभ, बौरी मनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करी भीजे, मनुष्य अंतरंग में धर्म बुद्धि से भीजे हुए हो, और मेघ अंतरंग में जल करी भीजे, समझ में दो बातें कही, मेघ पानी से भीजे और मनुष्य अंतरंग में धर्म बुद्धि करे भीजे हुए हो, गौरी मनुष्य तो संसार दुखते जीवनी का उद्धार करने की इच्छा को धारे, संसार से जीवों का, संसारी जीवों के क्या हो, संसारी जीवों का दुख जो है दूर हो, संसार दुख से जीवों का उद्धार करने की इच्छा को धारे मनुष्य, और मेघ अन्नाधिक उपजाऊ में तेल लोक का उद्धार करने का कारण बने को धारे, तो ऐसे मनुष्य व मेघ दोनों क्या है दुर्लभ, भावार्थ उपदेश दाता बहुत है, परंतु हम जैसे धर्म बुद्धि से जीवनी का उद्धार करने का उपदेश देंगे तैसे उपदेश देने हारे थोड़े, उपदेश देने वाला तो बहुत है लेकिन वो ये गारंटी दे रहे हैं कि हम जैसे धर्म बुद्धि से जीव का उद्धार करने का उपदेश देंगे वैसे उपदेश देने वाले थोड़े, थोड़ा मर्जी पूरी गारंटेड, पूरी आपको एक तरह से पूरी को बिल्कुल कोई कह सकता है कि एश्योरेंस दे रहे कि हम जैसे धर्म बुद्धि से जीव का उद्धार करने का उपदेश देंगे ना वैसे उपदेश देने वाले उनको मिलने वाले नहीं है, और हम क्या दे रहे हैं, हम तो भगवान जिनेंद्र का उपदेश दे रहे हैं, तो जैसा भगवान जिनेंद्र का उपदेश है जीवों का हित करने वाला ऐसा तुमको संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है, तुम चाहे जो कुछ कर लो भले, हम तुमको तुम्हारे हट, हम तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं प्रभो अपने हित के लिए सुन लो कुछ, चाहते हमारा उपाय निरर्थक नहीं है इसलिए हमारा उपाय बेकार नहीं है, तुम्हें समझो हमारे जैसे उपदेश देने वाले कम है, और हम वास्तव में संसार के जीवों का दुख से दूर करने का उपाय देते हैं,
वो वैसा उपाय वैसा उपदेश कोई देने वाला है नहीं, इसलिए हमारा जो कार्य है वो सार्थक है, क्योंकि हमारे जैसा कार्य कोई करने वाला नहीं है। जगह जगह है कि जगह जगह नहीं, हम जो उपदेश देंगे ना उससे जीवों का उद्धार होगा, संसार के जीवों का दुख दूर होगा, ये हम ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हमारा जो उपदेश है वो निरर्थक नहीं है, ये मत समझो कि हमारा जैसे अन्य बहुत सारे करने वाले हैं तो वो सब कर लेंगे काम, हमारी जरूरत क्या है, नहीं हमारे जैसा एक दो ही है वो। तो टोडरमल जी की तरफ से बात कहूँ मैं, टोडरमल जी कह रहे बेटा ये जो बात कह रहा हूँ तेरे को ढूंढेगा पूरे भरत क्षेत्र में नहीं मिलने वाला, इसलिए तू हमारी बात हित से सुन ले, इतनी सी हम तेरे को बात करें, हमारा उद्यम निरर्थक नहीं। अब आगे कैसे, आगे ऐसे है तो कैसे गुण करी संयुक्त उपदेश दाता है, सीधी सी बात है कि तुम ऐसा अपने बड़े गर्व में कह रहे हो कि हमारे जैसे उपदेश देने वाले बहुत मिल रहे हैं, तो भाई ये बताओ कि उपदेश दाता में कैसे गुण होने चाहिए जो गुण तुम में विद्यमान है, उपदेश दाता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये बात बताओ। ऐसा प्रश्न होते संते प्राज्ञ इत्यादि दो श्लोक हैं, क्या दो श्लोकों में ये वर्णन करेंगे किस बात का, वक्ता कैसा होता है, वक्ता का स्वरूप कैसा है, वक्ता किन गुणों का धारी होना चाहिए, माने कौन वक्तापने को धारण करने के योग्य, वक्तापना किसमें शोभित होता है, कौन वक्तत्व को धारण करने का पात्र, वक्तापने का पात्र कौन है, ये बताओ। कैसे गुणधनी करी, ऐसे गुणधनी करी संयुक्त, उन गुणों के नाम पर तो बताओ प्रभु कि कैसे गुण करी संयुक्त उपदेश जाता हुए, तो उसका उत्तर आगे दो श्लोक से कह रहे हैं। देखो पहला श्लोक पढ़ता हूँ, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रवक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशंवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्राय प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया ब्रूया धर्म कथांगणी गुणनिधि प्रस्पष्ट में साक्षर। थोड़ा सा उपयोग देखिए, आप एक एक शब्द को देखो तो आपको इसमें सारी विशेषता निकल जाएगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको अपने उपयोग को लगा के इसके जो श्लोक का जो एक एक शब्द है उसको देखना पड़ेगा, तो उसमें वक्ता के सारे गुण सम्मिलित है। देखो सबसे पहला क्या है, प्राज्ञ, प्राज्ञ माने विशेष बुद्धिमान हो, ज्ञाता हो, प्राज्ञ विशेष बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान नहीं होगा वक्ता तो अन्य को क्या उपदेश देगा, क्या मतलब जो स्वयं किसी अन्य को सिखाने जाए और उसको खुद को कुछ नहीं आएगा तो वो अन्य का उपदेश देने वाला कैसे होएगा, इसलिए उसको सबसे पहले विशेष बुद्धिमान होना चाहिए, उस पर वो वक्ता बनना शोभित होगा। वो प्रास्त समस्त प्राप्त सॉरी प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, इतना सरल है, इससे सरल हो क्या हो सकता है, समस्त शास्त्र के हृदय को जिसने प्राप्त कर लिया है, जान लिया, समस्त शास्त्र हृदय प्राप्त, समस्त शास्त्रों के हृदय को जिसने प्राप्त कर लिया, और प्रव्यक्त लोक स्थिति माने लोक की स्थिति को प्रव्यक्त माने व्यक्त रूप से जानने वाला, लोक की जो स्थिति अभी क्षेत्र काल की क्या स्थिति है, समझ में ना, इसे क्षेत्र काल की स्थिति का जानकार हो, लोक की स्थिति का जानकार हो, लोक व्यवहार क्या है, नहीं तो लोक व्यवहार से विरुद्ध उपदेश करेगा तो श्रोता विचार्य जो है वो मतलब भ्रम में पड़ जाएंगे, क्या करेंगे उसको, लोग विरुद्ध उपदेश देगा तो वो लोग में भी निंदा का पात्र है। और प्रास्त आशा, प्रास्त आशा माने आशाएं जिसकी अस्त हो गई, प्रास्त आशा, प्रस्त आशा, आशा जिसकी अस्त हो गई, आशाएं सब खत्म हो गई, माने आशा नहीं हो इससे, ये शास्त्र का उपदेश देने से ये आशा नहीं हो कि मेरा यार बिजनेस अच्छा मिले, क्लाइंट अच्छे मिल जाए मेरे को, 10-20 धंधा चले या मेरे को नौकरी मिल जाए, कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं है। प्रतिभा पर, प्रतिभावान हो, क्या प्रशमवान, कषाय उसकी उत्समित हो, तभी हो, कषाय तीव्र नहीं हो, तीव्र कषाय होगा तो लोग डरेंगे वहां पर, भैया कब गुस्सा आ जाए इनको, क्या जो इनके हाथ में होता है यही इनके हाथ में आ जाती है, लोग प्रवचन कैसे लेंगे उसका, गुस्सा आ जाए, इसलिए प्रशमवान कहा, उसके क्रोध मान माया
लोग ये तीर्णी हो मंद हो और प्राक एव दृष्ट उत्तरा उत्तरा दृष्ट माने उत्तर देख लिया, प्राक माने पहले, एव माने ही, माने प्रश्न करने के पहले उसने उत्तर देख लिया। मैंने मेरे कोई बात कही तो मुझे समझ में आ जाए कि सामने वाला इस बात पे प्रश्न करेगा और उसका उत्तर मुझे मालूम, मैंने मेरे को सामने वाले के सारे क्वेश्चन पहले ही पता हो कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। मैंने प्रश्न उठने के पहले ही इसने उत्तरों को देख लिया और प्राय प्रश्न सह प्रश्नों को सहन करने वाला, ये तो एक दो प्रश्न करे लोगे काम तो ऐसे प्रश्न करने वाले के ऊपर नाराज हो जाए तो बेचारे अन्य जो श्रोता है उनके मन में कोई संदेह हो तो पूछ ही नहीं पाया, इसलिए हजारों प्रश्न करे प्रश्न करता वो तो बहुत शांति से उन सबको सहन करने वाला सुनने वाला प्रश्नों को सहन करने वाला हो और प्रभु प्रभु हो, मैंने लोग इसको प्रभु मानते हैं अच्छा बड़ा पुरुष मानते पर मनोहारी अन्य लोगों को अत्यंत मनोहारी हो उनके मन को हरने वाला हो और पर अनिंदया दूसरों की निंदा के योग्य नहीं हो, दूसरे लोग उसकी निंदा नहीं करते हो। ब्रूयात माने वो कहे, धर्म कथाम धर्म कथा को कहे, गणी माने गणी हो, गणी माने समूहवान हो अनेक लोगों का प्रभु हो। गुण निधि गुणों की निधि हो गुणों का खजाना हो और प्र स्पष्ट निष्ठ अक्षर उसके अक्षर निष्ठ हो मीठे हो और स्पष्ट, देखो इसमें क्या है कठिन ऐसा है ये सब चीजें होनी चाहिए, सब क्वालिटी बताई उन्होंने कि वक्ता में सब क्वालिटी होनी चाहिए, अभी आगे श्रोताओं के बताएंगे चिंता मत करो। अभी पहले तो वक्ता की बात कर रहे हैं कि वक्ता में सब क्वालिटी होनी चाहिए, ये जिसमें ये जिसमें गुण है उसको वक्ता बना श्रोता है, जिसमें गुण नहीं है तो ठीक है हम चलो ठीक है मतलब वो वाचन करने वाला है लेकिन वक्ता बना वास्तव में खुश होता है, इसलिए वास्तविक वक्ता को अपने आनंद होगा असली असली मूल ग्रंथ असली मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ अपर गुरु जो है वो सर्वज्ञ, अपन तो सब जो है ना पोस्ट में काम कर रहे जो उन्होंने कही वो अपन पढ़ के सुना रहे अपने पास इससे ज्यादा अधिकार ही नहीं छन्मस्त को इससे अधिक अधिकार ही नहीं कुंद कुंदाचार्य भी देव जैसे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं भगवान जिनेंद्र ने ऐसी कही है हम भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे क्यों क्योंकि छन्मस्त के ज्ञान में तो भूल हो सकती है अल्पत के बारहवें मनस्थान तक जो है उसको असक्ति होगा तो इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते भगवान जिनेंद्र के वचन है हम अपनी अनुभूति से इसको प्रमाण करते हैं इतना समझ रहे हैं मूल वे उत्तर ग्रंथ करता मूल ग्रंथ करता रहा सर्व के तो उत्तर ग्रंथ करता रहा उसके बाद में गणधर देव फिर प्रति गणधर देव फिर उनके वचनों का अनुसार वर्णन करने वाले कुंदाचार्य आदि देव उनके टीकाकार और उनके भाषा टीकाकार फिर ये पूरी परंपरा से आया है समझ रहे ना। अब देखो अपन इसको पढ़ते हैं समझ में आ गए ना आपको इसके अर्थ तो सब समझ में आ गया अभी इसी के ऊपर एक एक अर्थ का उपलास करेंगे। ऐसा गणी गणी माने सभानायक होए ऐसा सभानायक होए सो धर्म कथा को कहे कैसा सभानायक होना चाहिए पहला तो कैसा हो कि बुद्धिमान हो फर्स्ट जाते बुद्धि इनका वक्तापना बने नहीं ये काम जैसे कि धर्म देखो धर्म में बुद्धि इनों का वक्तापना तो क्या बन ही नहीं सकता मैं तो कहता हूँ श्रोतापना भी बनना मुश्किल है कम से कम कॉमन सेंस तो हो उसको कि अपने हित हित का विचार कर सके जो उसको समझा रहे हैं वो समझ सके क्या क्योंकि जो धर्म की चीजें ना ये उत्कृष्ट बुद्धि वालों के लिए लिखी हुई ये विद्वानों के लिए शास्त्र विद्वानों के लिए टीका विद्वानों के लिए बाकी उनका काम है वो लोगों को समझा बाकी मूल में जो उन्होंने वस्तु स्वरूप का जो वर्णन किया वो इतनी अद्भुत शैली से किया है कि जो 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 जानकार है उसका मन मोहित हो जाता है कि यार कितनी गजब शैली है वर्णन करने की वस्तु वस्तु स्वरूप कितना अद्भुत है उसकी वर्णन करने की शैली दोनों अपने आप में अद्भुत है। तो बुद्धिमान होए सबसे पहला पॉइंट जाते बुद्धि इनका वक्तापना बने नहीं बहुरी पाया है समस्त शास्त्री का रहस्य जी ऐसा हो समस्त शास्त्रों का रहस्य जिसने जाना माने चारों अनियों का अच्छा पाठी हो ये तो कोई जो है जो श्रोता है वो तो जान ले कि इनको ये नहीं मालूम है तो प्रश्न पूछ के मारेगा जान सके हमारे हमारे कॉलेज के अंदर
एक बेचारा नया नया आदमी की जॉब लग गई उसकी, तो वो पढ़ाने आए तो हमारे क्लास में कई लोग आए थे वगैरह की इसकी तैयारी उसकी कर रहे थे, गेटवेट की तैयारी, तो सब ढूंढ करते होते, खुद ही प्रोफेसर देख कर जाते थे। तो उन्होंने शुरू में एक दो क्लास में देख लिया कि तो अब क्या करे, पढ़ने की इच्छा नहीं उनको, तो जान करके रोज 5-6 क्वेश्चन बना बना के लाया, 3-4 दिनों में पूरी ड्यूटी संभाली। एक पूछे वो तो पूछे, और जो कुछ पढ़ाया उसने उसमें पूछे जान करके, तो घूम गया। फिर वो जब तक उसका निकाला हल तब तक दूसरा तैयार। तो वो बेचारा 1-6-7 दिन तक मेहनत करता रहा, वो एक चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाया क्या, तो उसको बाहर निकाले कैसे। फिर उसकी शिकायत करी कि साहब तो एक चैप्टर भी पूरा नहीं हो रहा था। उसने कहा साहब मैं क्या पूरा नहीं हो गया, मेरे को यही पूरा नहीं करने देते, क्या करूँ क्या। अब तेरे को खुद को जब मालूम नहीं है तो तू वास्तव में उसका अधिकारी नहीं हो सकता कहीं भी। देखो इसमें तो बहुत चीजें हैं, मैं आपको बताऊँ, ये द्वादशांग वाणी अपरंपार है, वो कम से कम वक्ता उसमें पूरा डूबा हुआ हो। क्यों डूबा हुआ हो, क्योंकि इसमें करना नहीं हो, चरना नहीं हो, प्रथमा नहीं हो, द्रव्या नहीं हो, सब तरह की बातें आती है। अभी इसमें से 50 बातें आएगी, मतलब मेरे को नहीं मालूम, किसी को मालूम है, तो वो उसको मन मचलेगा उसका, वो श्रोतापना भूल जाएगा कि मैं श्रोता हूँ। वो उसके अंदर में भयंकर चूहे दौड़ेंगे कि मैं कैसे बताऊंगा वहां, तो फिर वो बताएगा और वो फिर जो है उसको अंतरंग के अंदर जो उस पर श्रद्धा कम है ना उसको, इनको ये चीज मालूम है, इस अनियोग की विवक्षा या इस नए की विवक्षा इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने चीज पढ़ी हुई है। तो ज्ञान में सब हो, भले आप किसी एक को मुख्य करो, लेकिन आपके ख्याल में होना चाहिए कि भाई दूसरी विवक्षा क्या है, अन्य अनियोग की विवक्षा क्या है, अन्य अनियोग की शैली क्या है, उसका कथन क्या है, वो ख्याल में। फिर अपने को किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, ये वक्ता के ऊपर, ये उसका वस्तु का जो विवेचन चल रहा है उसके ऊपर। आचार्य भी एक नए करें, लेकिन उनके ख्याल में सब है क्या है। तो इसलिए चारों अनियोग का मैंने अनेक शास्त्रों का रहस्य जिसने पाया हो ऐसा हो जाते, अनेक अंग जाने बिना तो यथार्थ अर्थ जाने नहीं, समस्त शास्त्रों के अंग जाने हो तो यथार्थ अर्थ जानेगा, नहीं तो अर्थ नहीं भासेगा उसको। क्या कहा, जाके जाते अनेक अंग जाने बिना यथार्थ अंग भासे नहीं, यथार्थ अर्थ भासे। आगे देखा, देखो बहुरी प्रकट है लोक व्यवहार जाके ऐसा हो, इसका लोक व्यवहार भी उत्तम हो। तो ये नहीं कि अरे ये तो पैसे दबा रखे मेरे क्या, मतलब लोक व्यवहार उसका ऐसा हो, उज्जवल हो, निर्मल हो, समझना है ना। बहुरी प्रकट है लोक व्यवहार जाके ऐसा हो, जाते लोक रीति जाने बिना लोक विरुद्ध। दूसरी बात करें कि लोक रीति को जानता भी हो, लोक व्यवहार भी लोक विरुद्ध व्यवहार ना हो, लोक रीति को जानने वाला हो, लोक रीति के विरुद्ध कोई कथन ना करे। लोक की जो रीति ना, उन्हें लोक में जो प्रैक्टिकल जिसके लिए संभव है, कोई ऐसी बात बोलो जो बिल्कुल असंभव है और उसके लिए पीछे पड़ जाओ, तो वो लोक रीति के विरुद्ध होगा ना। तो लोक विरुद्ध जाने बिना लोक विरुद्ध हो। दूसरा, बौड़ी प्रकर्ष पने अस्त भई है आशा जाके ऐसा हो जिसके आशा मिट गई हो, प्रकर्ष बने मने उत्कृष्ट बने से कोई आशा नहीं। देखो इसमें आशा होगी तो क्या दिक्कत है बताओ, जिसके आशा है उसके यथार्थ वक्ता पना नहीं बन सकता। दो बातें, तो आशा और एक भय, भय होगा जैसे मेरे को कि यदि मैं ये बात कहूंगा इनको बुरी लग गई तो मैं कह नहीं सकता ना उस बात को। वक्ता तुम निर्भीक होना चाहिए, तुमको भय, तुमको बुरी लगे तो बुरी लगे, और तुम जो है तुमको जो करना सो करो, और धन की कोई आशा नहीं कि भाई किसी से कोई मतलब नहीं है क्या, यहाँ पर जो बात है सो है, इसमें किसी को अच्छी लगे तो अच्छी लगो, बुरी लगे तो बुरी लगो, हमें कोई प्रयोजन नहीं। आशा आशा का कोई सद्भाव नहीं, प्रकर्ष बने अस्त हो गई है आशा जाके ऐसा हो। आगे जाते आशा वाला रंजायमान मन किया चाहे, यथार्थ अर्थ करते नहीं, कोई भी आशा होगी तो मन अन्य का ये ध्यान रखेगा कि भाई इसका मन रंजित हो, वो यथार्थ अर्थ का प्रूपण नहीं कर सकता। बौरी कांति करी उत्कृष्ट हुई, कांति से उत्कृष्ट हो मतलब शरीर आदि की कांति भी अच्छी हो। जाते शोभायमान न भय महंत बना शोभे नहीं, बौरी उत्सम परिणाम युक्त हो, उत्सम माने समझे ना, कषायों की मंदता, कषाय उसके शमित हो। जाते तीव्र कषाई सर्व को अनिष्ट, सबके लिए अनिष्ट है वो, निंदा का स्थान।
माइक अपन कल से लगा लेंगे तीव्र कषाय सर को अनिष्ट निंदा का स्थान है बौड़ी प्रश्न किए पहले ही देखा है उत्तर जाने ऐसा हो जाते आप ही प्रश्न उत्तर करी समाधान करे तो श्रोता नी के उपदेश की दृढ़ता हुई। समझ में आया ना क्या होता है? देखो टूटरमल जी की जो शैली है वो जोरदार है। क्या करते हैं वो, जैसे हेलो हाँ जैसे जो आपने उसमें देखा होगा ना मोक्षण प्रकाशन में कि प्रश्न उठाया कोई है उसका समाधान किया तो समाधान में अपने आप को प्रश्न बनेगा। समाधान की अंतिम पंक्ति देखना उसमें प्रश्न बनेगा फिर उस प्रश्न का उत्तर देंगे फिर उस उत्तर पर फिर कोई प्रश्न आएगा फिर उस उत्तर से फिर प्रश्न आएगा फिर प्रश्न का उत्तर देंगे ऐसे करते करते पूरा ग्रंथ चलता है। ये प्रश्नोत्तर श्रेणी। तो ये इसमें क्या होता है कि यदि मेरे को ये ख्याल में है कि भाई इस बात पे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और आपके प्रश्न करने के पहले मैं स्वयं उस प्रश्न को उठा के उसका समाधान करता हूँ तो वक्त जो श्रोता है उनके उनका जो है ना उनका वक्ता पे अत्यंत दृढ़ विश्वास और उस पर प्रतीति बहुत अच्छे से जम जाती है। भाई ये तो मेरे अंदर की सब बातें जानता है क्या मेरे बोलने के पहले ये प्रश्न समझ लेते कि हम क्या पूछते हैं। और ये हो सकता है ये तो क्या है जब वक्ता खुद उसमें डूबा हुआ हो तो सामने वाला किस तरह से आएगा इस बात पे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं तो उसको विचार कर सकते हैं। और आगे देखो बहुरी प्रचुर प्रश्न का सहन आ रहा होगा प्रचुर प्रश्न करेंगे खूब मेरा हजारों प्रश्न निकाल निकाल उसको सहने वाला होगा जाते प्रश्न किए खेद खिन्न होई तो श्रोता प्रश्न ना कर सके चाहे प्रश्न क्या करेंगे खेद खिन्न होएगा होता तब तिनका संदेह कैसे दूर होगा उनका संदेह कैसे दूर होएगा। बहुरी प्रभु होई जाते जाको आपते ऊंचा माने ऊंचा जानो ताई का कहा माने बताओ मैंने कम से कम श्रोता उसको ये माने कि हमसे अधिक है ऊंचा है क्या नहीं तुम के ये तो कल ही ऊंचा की दुकान में तो वो उसकी मतलब वो उसको एक अंतरंग में निकल जाएगा कि हमसे भी यही है क्योंकि क्या है छोटा जो होता है ना छोटी छोटी सी बात को रिजेक्ट करता है भले ही वो बाकी जो मूलभूत बात है वो उसको सुनना नहीं सुनना उससे मतलब नहीं उसको उसको तो ये है यार ये तो है ना ये बाजार की चाय पीते हैं बात खत्म हुई उसकी मैंने उस एक बात को उसने सारी बात क्या कर दी वो ग्रहण नहीं करेगा जो अपन एक सामान्य जो बता रहा हूँ सामान्य श्रोताओं का सुनो कोई एकाध छोड़ होगी जो कि नहीं मेरे को तो ये सब इस सबसे कोई मतलब नहीं है वो ये करे मेरे को तो अपने हित की बात बता रहा है वो नहीं लोगों ने चाहते हैं कि भाई कम से कम वो एक उन्होंने मान रखा है अपने दिमाग में कि भाई इतना क्राइटेरिया तो उनमें होना चाहिए इवन जैसे मैं वहां था रीवा में तो वहां पे सोलह बुक चलता वहां पर तो एक भाई आई उसने मेरे को सोलह के बेस पे रिजेक्ट आउटराइट क्योंकि उनकी उसने हमारी जो मेजा रहता था वहां की जो मकान मालिक थी उसकी फ्रेंड थी मकान मालिक ने कहा सोलह करते ही बिना सोलह के कारण उसने कहा उसे कहा मैंने देखो हमारे स्कूल इतनी कॉलेज इतनी है हम कहाँ से सोलह पालेंगे नहीं सोलह के बिना हम रोचन बिजनेस अब अपने अपनी जगह की वो है मतलब मैं भी मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो जहाँ जो चलती है जो परंपरा है लोगों के दिमाग में सेट है तो इसलिए वो कम से कम क्या हो वो उनसे लोग उसको ऊंचा माने बोली प्रभु बोलो जाते जाते आपते ऊंचा जानो ताई का कहा मानिए और लोकिंग में भी प्रभु हो मतलब वो उसका कहा मानता हो भाई हाँ ये जो है ये कोई बड़े पुरुष है उनकी बात आदरणीय योग्य इस प्रकार से वो उनकी बात मानने वाला हो बौड़ी ओरनी के मन का हरण हारा हो दूसरे के मन का हरण हारा हो
जाते जो असुहावना लागे ताकि सीख कैसे माने, मन को असुहावना लागे उसके सीख कैसे मानेंगे। बौड़ी गुणनी का निधान हो जाते गुण बिना नायक बना शोभे नहीं, अनेक गुणों का निधान। बौड़ी स्पष्ट और मीठे जाके उपदेश वचन हो लोग बेचारे बहुत कान लगाने अभी अपन कर रहे हैं ना अभी ये जैसे वो आज होगी मेरे पास तो इन लोगों की कंपनी ने आवाज ये नहीं आई तो करेंगे लोग भी क्या करेंगे पूरा दिमाग कान लगा के बेचारे पूरे करके इतनी मेहनत करके करते हैं कुछ एक शब्द समझ में आ जाए नहीं आता है तो आदमी का मन उसमें किसी दूसरे का अपराध नहीं उसने एक्चुअल में वो अस्पष्टता जो है वाणी की वो उसका अपराध है इसलिए वो कह रहे हैं कि वाणी एकदम स्पष्ट हो जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को एकदम स्पष्ट समझ में आए क्या कह रहे हैं वो घुमा फिरा के बोलने वाले समझते थे कि क्या क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं एक शैली होती है ये आप एक घंटे तक प्रवचन सुनो और आपसे पूछो कि पूछा जाए भाई तुमने क्या सुना उसमें बहुत जोरदार थे लेकिन जोरदार होते लेकिन था क्या ये कुछ नहीं बात कर रहे कह रहे ये स्पष्ट नहीं है ये क्या स्पष्ट एक क्लैरिटी हो गई क्या एकदम स्पष्ट विजन स्पष्ट बात स्पष्ट हो और कैसा हो मीठे हो मीठे हो वचन एकदम कटु नहीं ऐसा नहीं जैसे पत्थर ही मारना मीठे जाके उपदेश में वचन होई जाते प्रकट वचन बिना समझे नहीं यदि स्पष्ट प्रकट नहीं होंगे तो समझेगा नहीं और मीठा बोले बिना रुचि नहीं मीठा होंगे वचन तो रुचि कर लगे ऐसा गणी होई सो औरन की निंदा वो औरन करी निंदे न होए औरों के द्वारा निंदा न होए उसकी ऐसो ऐसी रीति करी धर्म कथा को कहे ऐसी रीति हो गए धर्म कथा को कहने का अधिकार भावार्थ आप विषय इतने गुण हो ही तब शास्त्र कहने का अधिकारी होना योग्य है तो पंडितों को कह रहे हैं पंडित तुम में इतने गुण हो तो तुम शास्त्र कहने के अधिकारी हो। अब आगे देखो अभी एक और है दो श्लोक है अभी एक ही हुआ है अभी एक और है इसमें भी श्रोता के गुण वक्ता के गुण चले फिर बाद में श्रोता क्या है तो श्रोता के बाद पहले वक्ता के इतने हो जाएंगे उसके बाद में श्रोता देखो पढ़ता हूँ दूसरा श्लोक श्रुतम श्रुतम अविकलम श्रुद्धा वृत्ति वृत्ति पर प्रतिबोधने पर परिणति गुरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सदो बुध नुति से तो लोकज्ञता मृदुता स्प्रहा यति प्रति गुणा यस्मिन् अन्ये च सोस्तु गुरु मता सताम। क्या कहा देखा श्रुतम अविकलम विकल माने अपूर्ण और अविकल माने संपूर्ण तो अविकल श्रुत का माने संपूर्ण श्रुत का जानने वाला हो शुद्धा वृत्ति उसकी वृत्ति कैसी हो शुद्ध हो पर प्रतिबोधने वृत्ति ऐसा यूं करेंगे शुद्धा अलग लग रहा है शुद्धा शुद्ध हो और वृत्ति पर प्रतिबोधने माने उसकी जो वृत्ति है ना वृत्ति वो कैसी हो दूसरों के प्रतिबोधन करने में उसकी वृत्ति हो दूसरों को समझाने में उसकी वृत्ति दूसरे को समझाने की वृत्ति में तो समझाएगा वो वक्ता नहीं हो सकता वक्ता के अंदर में तो ये नहीं कह सकता कि नहीं तो मेरा पढ़ रहा हूँ उनको समझ में आए तो नहीं आए फिर वो वक्ता नहीं क्योंकि पढ़ना आपने तो पढ़ लो अलग से आराम से ग्रेजुएट करो तुम यहाँ आए हो ना तो तुम्हारे सामने श्रोता है तो तुम्हारे को उसको प्रतिबोधने की वृत्ति होनी चाहिए तो तुम्हारा वक्ता बना सार्थक है पर वृत्ति प्रतिबोधने पर वृत्ति पर प्रतिबोधने पर के प्रतिबोधन में जिसकी वृत्ति है और परिणति उद्योगो मैंने उसकी जो परिणति है वो उद्योग रूप हो दूसरों के प्रतिबोधने में उसकी परिणति उद्योग रूप हो दूसरे के संबोधन करने में उद्योग बंद हो उद्यम बंद हो मन वचन गाय की प्रवृत्ति दूसरे के समझाने में उद्यम बंद हो और मार्ग प्रवर्तन
प्रवर्तन मार्ग का प्रवर्तन आने वाला हो, माने मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की जिसकी बुद्धि हो, सद विधो हो, सद विधो माने अच्छी विधि वाला हो, क्या भली विधि वाले, माने मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की भली विधि में प्रवर्तक, मार्ग के मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की भली विधि में प्रवर्तन जिसका हो। और बुद्ध नुति, बुद्ध माने बुद्धिमानों के द्वारा, नुति माने स्तुति की जाती हो, और अनुत्सेको उत्सेक नहीं हो, उत्सेक माने उद्यत बनानी हो, लोकज्ञता लोक का ज्ञाता हो, मृदुता मृदु हो, अस्प्रहा निष्ठा हो, यतिपति गुणा यतिपति के गुणों से संपन्न हो, यस्मिन जिसमें ये है, जिसमें ये है, यस्मिन माने जिसमें ये यतिपति के गुण है, सो अस्तु वह सो अस्तु गुरु सता, सता माने सज्जनों का वह गुरु हो, न अन्य अन्य कोई हमारा गुरु नहीं हो सकता। सज्जनों का गुरु पे ऐसे गुरु वाला होना चाहिए, कैसे गुरु है सारे गुरु की लिस्ट दे दो, समझ आई क्या क्या है, हाँ यहाँ हो गई वापिस से, मैंने लोक के तरह लोक का कहता हो, मृदुता और अस्प्रा भी वापिस से दीजिए, फिर आशा अस्त हो गई हो और यहाँ निष्प्रा हो, एक मृदु हो मतलब मृदु माने बिल्कुल कोमल हो, चित्त से कोमल हो, बुद्ध वृत्ति बुद्धिमान में जिसकी स्तुति करते हो, उद्वत्ता से रहित हो, शुद्ध हो, और दूसरे के प्रतिबोधन में जिसकी परिणति हो, मार्ग के प्रवर्तन करने में जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति हो, मतलब अच्छे मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन करने की जो सोचता, ये सब चीजें गुण होने चाहिए। देखो इसको पढ़ते हैं, जिस विषय ऐसे गुण हो, कैसे गुण हो, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र ज्ञान, एक तो शास्त्र ज्ञान ऐसा हो संदेह रहित, कोई संदेह नहीं हो उसमें, ज्ञान ऐसा कि क्या पता ऐसा लिखा है बात सच्ची है कि नहीं है, क्या पता भैया ऐसा लिखो ऐसा सच है कि नहीं, अपन तो पढ़ देते हैं शुद्ध का मतलब है कि उसकी मनोचन काय की प्रवृत्ति दोष रहित, यथा योगी जो भी योग्य दोष रहित वैसी उसकी मनोचन काय की प्रवृत्ति। बहुरी ओलनी का संबोधन विषय परिणाम हुए, दूसरे को संबोधन में उसका परिणाम हो, दूसरे को समझाने में। बहुरी जिन मार्ग का प्रवर्तने की बनी विधि विषय भला उद्यम हुए, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने में उसका उद्यम हो भले प्रकार से, मतलब मोक्ष जिसके अंदर में हो कि मोक्ष मार्ग का उद्यम करेंगे, मतलब जिन मार्ग के प्रवर्तन करने की बुद्धि जिसको हो कि मोक्ष मार्ग सबको मिले, जिन जिन तक ये जिन मार्ग मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके, जिन धर्म के प्रवर्तने की जिसकी बुद्धि हो। बहुरी ज्ञानी करी किनी हुई नमन क्रिया हुई, मैंने ज्ञानियों द्वारा भी नमन, ज्ञानियों द्वारा नमन किया हुआ हो, ज्ञानी करी नमन किनी हुई नमन क्रिया हुई, वह अधिक ज्ञानी का विनय करी नमन हुई, अधिक ज्ञानी भी उसका विनय से नमन करते हो। बहुरी उद्यत बनी दे रहित हो, उद्यत बना नहीं, उद्यत बना समझते ना, उदंड बना, उद्यत उद्यत माने किसी बस में नहीं हो, बहुरी लोक रीति का ज्ञाता बना हुआ, ये पहले भी कही थी मैंने, लोक रीति का ज्ञाता हो, बहुरी कोमल बना हुआ, बहुरी वांछा रहित बना हुई, ऐसे ये गुण हो, बहुरी और भी ऐसे ही यतीश्वर संबंधी गुण जा विषय होई, सो सत्पुरुषनी का उपदेश दाता गुरु हो, वो सत्पुरुषों का उपदेश दाता गुरु होता है। भावार्थ, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होई तो सत्पुरुषनी का भला करे, यदि ऐसे गुण हो तो वो सत्पुरुषों का अच्छे लोगों का भला करे, जाते हताते हमारा भी यही आशीर्वाद है जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु होई, चाकरी जीवनी का बुरा होई सो उपदेश दाता गुरु काहू के मति होई, माने हम भी ये हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया संसार के सारे जीवों को ऐसे अच्छे उपदेश दाता गुरु का समागम मिले, किसी को ऐसा उपदेश दाता गुरु नहीं मिले
जिससे कि किसी जीव का जुड़ाव हो। हम तो ये चाहते हैं सबको अच्छा क्या। अब यहाँ तक उन्होंने वक्ता का सुन बताया, अब आगे क्या कहने देखो, आगे ऐसा उद्देश्य होए तो शिष्य कैसा हो। सारी शर्तें उसमें तो लगा दी वक्ता ने, अब वो कह रहे श्रोता में भी कुछ शर्तें लगेगी कि नहीं लगेगी, वो भी कैसा होना चाहिए तो वो कल करेंगे। अपन ऐसा पूछे हुए कहे कल अपन श्रोता की विशेष कहें करेंगे अभी तय। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आपको। सब ग्रंथ ग्रंथों का सामने है गुरुपद आचार्य को आज से लगभग 1000 साल हो गए। प्रभाचंद आचार्य की टीका है इनकी, जिनकी कोई भी टीका है बड़े बड़े आचार्य की टीका है। तो अभी तो शुरू में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, आगे फ्लो आएगा देखने। इसमें अध्यात्म चढ़ना भी तो बहुत अच्छा बढ़ा मेरा भी काम उसका बहुत अच्छा ग्रंथ है। शैली जो है ना इससे बहुत बढ़िया है, रुचि का है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है इसमें मुझे कुछ हो सकता है। तारा जी वो लाइन मेरी है चालू भी क्या बता जवानी के जानी के ज्ञान ते सुजे लो पाओ सुवाणी मस्तक जिनवाणी माता की जय, जय धर्म की जय। इसमें अपने दो तीन काम करने पड़ेंगे।